रास्ते में रहोगे तो कैसी कैसी गली से आना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो यहाँ नमाज का भी है, नमाज पढ़ सकता है। आज हम जा रहे हैं किर्गिस्तान की एक नई सिटी काराकोल में, और मैं दिखाता हूँ जिस हॉस्टल को एक्सचेंज करके मैं हॉस्टल में रुका था। कुछ ऐसा है तंबू की तरह, और इस हॉस्टल में भी सेम वही $5.50 लगे हैं। यहाँ हॉस्टल का बहुत इश्यू है, इसकी वजह से हॉस्टल चेंज करना पड़ता है बार बार, और हॉस्टल ना होने की वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी एक बार दिखा देता हूँ जो हॉस्टल में लीव कर रहा हूँ अभी। ये हॉस्टल का है कॉमन एरिया जहाँ हर कोई बैठ सकता है। ये गार्डन वगैरह है और स्विमिंग पूल भी है, तो अभी बंद रखा है ठंड की वजह से। अदर देन स्विमिंग पूल भी है इसमें। ऐसे एंट्री है, रिसेप्शन, इधर बाथरूम है, ये किचन है, ये है कॉमन एरिया जो बैठ के आप खा सकते हो और गप्पे वगैरह लगा सकते हो। हाय रोहन, हाय बाय। बाय। ये भाई रोमन है, यस कोई दूसरा कौन दूसरा? तो भाई इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये रहा हॉस्टल। नो तो भाई निकल रहे हैं काराकोल के लिए, और ऑनर बोल रहे आप पाओगे क्या? तो हम लोगों ने बोला नहीं नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ से निकल रहे हैं बस स्टेशन, जो कि 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर जाके बस मिलेगी। तो आपको दिखाना था कि हमारी मतलब सस्ते में रहोगे तो कैसी कैसी गली से आना पड़ेगा आपको। बाकी हॉस्टल बहुत महंगे हैं, तो इसकी वजह से ऐसी गली ही सही क्यों ना आ सकते हैं हम। इंडिया से तो कुछ भी कर सकते हैं सस्ते में रहने के लिए, तो ये गली यूज करके जाना पड़ता है, नहीं तो 1 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ेगा। ये गली में कुछ भी हो सकता है, चोरी चकारी तो किसी को पता नहीं पड़ेगा, कोई मार सकता है, कोई भी लूट सकता है। और यहाँ आना तो आंख बंद कर लेना, यहाँ कुछ नहीं है, सेफ है यहाँ, कोई कुछ नहीं। भाई जितना भी है दे देना प्यार से। ये जाएगी ना, तो आ चुकी है भाई बस, ये अपने को ले जाएगी बस स्टेशन। दूं मैं छुट्टे तो आ चुके हैं बस में, यहाँ से बस स्टैंड ले जाएगी, लगभग 45 मिनट लगेगा। बाकी ये रहा हमारा, तो आ गई अपनी दूसरी बस, ये डायरेक्ट छोड़ेगी मेन बस स्टैंड तक। जाएगी ना, वालेकुम। हम आ चुके हैं बस स्टैंड से, मैं देखते हैं यहाँ से छोटी छोटी कारें और बसें जाती है, तो देखते हैं कौन सा ले जाएगा मुझे और क्या प्राइस है, देखते हैं बताता हूँ आपको। नंबर वगैरह कुछ है? 501। भाई बस खोजने में तकलीफ हो रही है। फाइनली जाके आए हैं, बस खाली खोज रहे हैं, यहाँ से बस जाएगी कंफर्म हो गया, और हम बस खोज रहे हैं। पाँच सौ एक। तो भाई फाइनली मिल गया अपने को काराकोल की बस, और देखते हैं फाइनली मिला है जाके काराकोल। काराकोल अच्छा, वो टिकट लेना पड़ेगा काराकोल, ठीक है। तो आज भी तो भाई जाके मैं फाइनली टिकट ले लिया, और ये टिकट है जो के लगभग पड़े 430 किलोमीटर है।
Каракол. Да, каракол. Когда это каракол? Пять часов. Пять с половиной. Пять с половиной. Пять с половиной, пять. Пять бадзе? Five PM. Five. Хорошо, бетца. आप देख लो किसी को काराकोल जाना है तो बस स्टेशन यहाँ यहाँ से है बस स्टेशन जाएगी कितना बजे भैया खाली गो 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 तो भाई ये है मासूता तो भाई सीट नंबर है 9-10 मैंने लिया के बस में 9-10 सीट थी बस रुकी है लगभग 2 घंटे के बाद 150 किलोमीटर चलने के बाद और यहाँ रुकी है जिसको वॉशरूम करना है या किसी को खाना पीना है तो इसके लिए 20 मिनट तक रुकेगी उसके बाद फिर जाएगी और ये यहाँ का कुछ ऐसा रहता है बस स्टैंड अच्छा तो अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो यहाँ नमाज का भी है नमाज़ पढ़ सकता है तुम्हारे लाइक है कुछ प्याज व्याज वाला ये लग रहा है ये मस्त लग रहा है ऐसे ही कुछ खाने में खातोश का खातोश का खातोश के 40 का है छोटा सा है 40 का ये नहीं ये अगर खाते तो भाई देख लो यहाँ क्या होता है ये चिकन है ये सब भी चिकन है ये शायद वेज है ये वेज है नज़ारा बहुत अच्छा है भाई तो देखो ये नज़ारे टैक्सी भाई फाइनली उतर गए 5 घंटे लगे पूरे उतरे अच्छा खासा था सही था लेकिन ये यार हालत ख़राब हो गई छोटा था इसकी वजह से अदर देन सही था एक्सपीरियंस अच्छा था नॉट ठंड अच्छा खासा है 7 डिग्री ठंडा है काराकोल में और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है तो पैदल ही चले जाते हैं यार क्या टैक्सी यार बस लेना तो हम पैदल ही निकल रहे हैं बाकी छोटी मोटी सिटी अच्छा है गांव घर है बाकी आगे आपको दिखाता हूँ हाँ तो भाई यहाँ गांव का नज़ारा लग रहा है पहली बार लग रहा है कि यहाँ किसी गाँव में आए हैं हाँ मस्जिद भी है हाँ मस्जिद भी है जा रहे हॉस्टल में तो हमने सोचा कि थोड़ा सामान ले लेते हैं कुछ है नहीं है नहीं क्रॉस किए तो गुस्सा हो गया शायद कुछ नहीं तो सोचो कुछ सामान ले लेते हैं देखता हूँ सुपरमार्केट में कुछ मिलेगा ब्रेड वगैरह कुछ बनाने का है तो सही है एसी गर्म लगाते हैं या ठंडा एसी लगा रखा है एक्सपायरी देख लो पहले